तो ये बहुत सही यूनिक सा सब्जी मैं आज शेयर कर रही हूँ दोस्तों आप लोग के सामने। तो चलिए देखते हैं मैं क्या चीज़ का सब्जी मैं बनाई हूँ, आप लोगों में दिखा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो आज फिर से मैं एक नई रेसिपी के साथ आप लोग के साथ आई हूँ। तो चलिए उसका इंग्रेडिएंट मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। मेथी मटर मलाई की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने मेथी को, सारे मेथी को देख सकते हैं इस तरह से मैंने काट लिया। सिर्फ पत्तल जो होता है ना सो उसका डंठल इस तरह से मैंने सारे को डंठल में निकाल ली हूँ, देख सकते हैं। और इस तरह से सिर्फ पत्तल पत्तल जो है देखते हैं, तो सो मैं डाल ली हूँ। तो ये हो गया है, आपको एक मुट्ठी से थोड़ा ज्यादा ही होगा। और इसके लिए मेथी मलाई मटर, तो सबसे पहले मटर है एक कप से थोड़ा ज्यादा ही होगा। इसमें दो ठो मीडियम साइज का प्याज है, 3 ठो टमाटर है, 3 ठो हरा मिर्च है, थोड़ा सा 1 ठो साबुत लहसुन को मैंने छील कर रख ली हूँ, 1 इंच अदरक, आधा इंच अदरक इंच का टुकड़ा है, थोड़ा सा 15-20 ठो काजू ले ली हूँ, ये गार्निश के लिए धनिया पत्ता है। और ये आपको हो गया 2 ठो लौंग, 2 ठो इलायची, थोड़ा सा ये साबुत मसाला गरम खड़ा मसाला ले ली हूँ। और उसके बाद ये घर का बेसिक मसाला, और ये सब्जी घी बटर नहीं अच्छा होता है तो घी बटर में मैं बनाऊंगी। और ये हींग हो गया, और मैं इसमें मलाई लेकर आती हूँ, मलाई अभी नहीं डाली हूँ, तब तक मैं गर्म पानी होने के लिए मैं डाल दी हूँ। पानी गर्म हो गया तो पानी देख सकते हैं गैस में जला दिए, जब पानी खोलने लगे तो मैं मटर डाल दूंगी। तो देखिए ये मैं 2 दिन का अपने घर का जो है शुद्ध एकदम देखते हैं एकदम ताज़ा मलाई है, तो जो इसमें से आधा मैं डालूंगी। तो पानी थोड़ा सा गर्म देख सकते हैं खोलने पर हो रहा है, तो मैं इसमें मटर को मैं डाल देती हूँ, और थोड़ा इसमें नमक भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल कर थोड़ा सा मैं चीनी डाल देती हूँ जिससे कलर इसका बरकरार रहेगा। थोड़ा सा मैं इसमें एकदम थोड़ा सा चीनी डालने से ना इसका कलर भी अच्छा रहेगा और इसका मिठास भी मेंटेन रहेगा। बस मैं चीनी डाल दी हूँ और मैं गैस को बंद कर देती हूँ, नरम अपने से हो जाएगा। अब गैस में बंद कर दी, देखिए सारा मटर ऊपर आ चुका है, तो मैं 5 मिनट छोड़ देती हूँ, फिर अगला स्टेप तरफ चल रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको छोटा छोटा सा काट लेती हूँ, और इस तरह से सारे मेथी को मैं काट कर फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैं इस तरह से मटर देखिए सब ऊपर आ गया है, थोड़ा सा नरम पड़ गया, सॉफ्ट पड़ गया, तो मैं ठंडा पानी में निकाल देती हूँ। तो मैं मेथी मटर मलाई है तो मैं घी में ही बनाती हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसमें घी रख डाल दी हूँ, देख सकते हैं। और इधर भी थोड़ा सा पानी में घी डाल दी हूँ, थोड़ा सा मेथी डाल दी हूँ, इसको मैं मेथी को थोड़ा सा मैं इसमें डाल करके तेज आंच पर इसका पानी सुखाने तक इसको सोटे कर लेती हूँ थोड़ा देर, 2 मिनट कितना फुल आंच फ्लेम में। और इधर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं काजू डाल देती हूँ, काजू डालने के बाद ये अदरक लहसुन इसको डाल देते हैं, उसके बाद ये प्याज मैं डाल देती हूँ। मेथी मटर मलाई ना बहुत से लोग टमाटर में भी डालते हैं, व्हाइट ग्रेवी चाहिए तो दही डाल कर बनाइएगा, लेकिन हमारे हस्बैंड को दही उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं टमाटर डाल कर बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं प्याज भी डाल दी हूँ, 1 मिनट भूनने के बाद ये टमाटर भी मैं डाल देती हूँ, जब ये थोड़ा सा गल जाएगा इधर ये भी देख लीजिए कम फ्लेम पर मैं इसका कर ली हूँ। तो मैं गैस को थोड़ा सा और नरम पड़ जाए तो मैं गैस बंद कर दूंगी, ये भी भिजा रहा हूँ। तो देखिए ये इस तरह से हो गया है, मैं इसको गैस को बंद कर देती हूँ। इधर ये भी देख सकते हैं इस तरह से हो चुका है, और मैं इधर भी गैस बंद कर दिया, और मैं इसको ठंडा करके मिक्सर में पीसती हूँ। ये देखिए ये पानी ठंडा पानी में की हूँ, तो मैं इसको भी निकाल लेती हूँ, और तब मैं मिक्सर में पीस कर आपको दिखाती हूँ। तो उसमें सेम कढ़ाई ले ली हूँ, और मैं बटर और घी में बनाऊंगी, मैं तेल नहीं डालूंगी, ऐसा में ना ये सब्जी में ना घी और बटर ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ अगर आप लोग पास बटर नहीं होगा तो घी भी डालिएगा, थोड़ा सा मैं घी भी डाल देती हूँ। जब मेल्ट हो जाएगा
तो यहाँ पर देख लीजिए, एक ठो तेजपत्ता, दो ठो लौंग, गोल मिर्च, इलायची, दालचीनी और जीरा और ये तेजपत्ता है, इसको मैं खड़ा मसाला को मैं डाल दूंगी। सारे को मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। क्रैकल हो चुका है तो अब मैं इसमें ये हींग है, थोड़ा सा हींग डाल दी हूँ, पौधे नहीं डालती हूँ और नहीं तो जल जाता है। और ये देखिए कितना क्रीमी है, तो ये मिक्सर के साथ चुका है, मैं इसको डाल देती हूँ। तो ये मसाला भुना चुका है, दो तीन मिनट में भून ली। अब मैं क्या करूँगी, हल्दी ऑप्शनल है, हल्दी आप लोग डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाल देती हूँ, क्योंकि मैं टमाटर डाली हूँ तो मैं थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ, नहीं भी डालिएगा व्हाइट। और इसमें मैं कुछ नहीं डालूंगी, धनिया पाउडर थोड़ा सा, एक चम्मच जितना मैं डाल दी, और ये लाल मिर्च थोड़ा सा। अगर व्हाइट ग्रेवी चाहिएगा तो हरा मिर्च ही ज़्यादा डालिएगा और दही, उससे व्हाइट ग्रेवी आएगा। मैं तो यहाँ पर थोड़ा सा टमाटर भी डाल दी हूँ, थोड़ा सा जब भुना देता है तो फिर तो मसाला में मैं ये मटर को डाल देती हूँ। सॉफ्ट है मटर, तो अब मैं ये सॉरी मेथी पत्ता को भी मैं डाल देती हूँ। डालने के बाद थोड़ा सा मिला देती हूँ और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। इसमें कोई खास मसाला का जरूरत नहीं पड़ता है, तो थोड़ा सा मैं नमक, ये मिठाई अच्छा लगता है तो थोड़ा सा नमक डालिएगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा। थोड़ा सा नमक डाल दिए, ले सकते हैं आप अमूल का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अपना फ्रेश का ही अच्छा होता है। तो मैं इसमें आधा कप जितना मैं मलाई डाल देती हूँ। देखिए ये बहुत डिलीशियस बनता है दोस्तों, आप लोग भी बनाइए, बहुत ही अच्छा सब्जी बनता है, ये पूरी पराठा के साथ अच्छा लगता है। मैं इसको थोड़ा सा चलाऊंगी, नहीं तो कभी कल ज़्यादा दूध रहने से फट भी जाता है, तो मैं इसको चलाऊंगी। चलाने के बाद फिर मैं पानी डालकर दिखाते हूँ। तो घी देख सकते हैं साइड से छोड़ने लगा दोस्तों, तो इस स्टेज पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दो ठो हरा मिर्च को मैं इस तरह से काटी, इसको भी डाल देती हूँ। दो ठो मैं इसमें पिसने में डाल देती हूँ ग्रेवी में। अब क्या कीजिएगा, ऐसे जब हो जाए बटर को जब मेल्ट हो जाए, तो मैं इस स्टेज पर ये मिक्सर को मैं धोकर के जो डाली हूँ सो भी मैं डाल देती हूँ। और अपना अकॉर्डिंग आप लोग पानी डालिए, ये तो गाढ़ा ही अच्छा होता है, देखिए इसका कलर कितना सुंदर है। अभी होकर मैं इसमें पानी डाल देती हूँ अपना अकॉर्डिंग, जितना आप लोग को चाहिए, गाढ़ा यही अच्छा होता है। अब देखिए हो गया, अब मैं गरम मसाला पीछे से डालूंगी, अब मैं खोला करके आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए इतना ही ठीक है। देखिए दोस्तों ये पक चुका है, इसका ग्रेवी देखिए, इसका थिकनेस आप लोग अपना हिसाब से रखिएगा, न तो गाढ़ा ही अच्छा लगता है। तो अब मैं इस स्टेज पर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से मैं डाल देती हूँ, थोड़ा सा मैं गरम मसाला ऊपर से डाल दी हूँ, और ये कटा हुआ धनिया है गार्निश के लिए, सो मैं डाल देती हूँ। और मैं अब गैस बंद कर देती हूँ और मैं सर्व करके अब दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों ये मेथी मटर मलाई का सब्जी बनकर के रेडी है दोस्तों, बहुत ही यूनिक होता है, पूरी पराठा के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, तो हम लोग घर में ही बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, हैव ए गुड डे, बाय।